हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई करमन, माइक टेस्टिंग वगैरह कर ली? ठीक है, अच्छा चलो सही है। और बच्चों तैयारी चल रही है पूरी मेजर टेस्ट की? किसने इंक्रीज कर दिया सिलेबस? देखो मैंने तो नहीं किया। नहीं मैंने देखो कुछ नहीं कहा किसी को, वो खुद से हो रहा है। वैसे ना मैंने देखा है उसको ना आगे से मेजर टेस्ट नहीं बोलेंगे, मेजर टेस्ट बोल के टीचर्स थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं, वो फिर जोश में ज्यादा सिलेबस डाल देते हैं। मैंने तो इसीलिए किसी भी टीचर को ये भी नहीं बताया था कि जो मतलब सैटरडे फ्री वाला किया था। तो प्रोटेस्ट करो, अगर आज बताया तो कोई प्रोटेस्ट करो, हड़ताल करो। पैसे सर टाइम भी इंक्रीज कर का दो। डाल दिया कि हाँ? वो तो अब चला गया ऑनलाइन डलने के लिए, अब नहीं कुछ हो सकता। सर टेस्ट डिले कर दो ना। ऑनलाइन ही नहीं, चेंज हो सकता नहीं। है सर, हमें मतलब कल ही सर ने बता दिया, मतलब पिछले हफ्ते कहा था कि वो चीज नहीं आएगी, कल कह दिया आएगी। हमने 3 बार पहले भी पूछा कि आएगी या नहीं, तो सर ने कहा नहीं आएगी, कल ही कह दिया कि वो भी आएगा बीच में, कि और मुझसे कोई सर उसके बाद कहा कि नीट में तो पूरा सिलेबस लोगों आएगा। नीट का सिलेबस हमें 11th से थोड़ा आइडिया होता है, तो नीट वाले हमें सिलेबस थोड़ा बहुत आइडिया दे के बताते हैं। को नहीं, देखो टेस्ट डिले नहीं करूंगा मैं, वो तो नहीं है। और फिर बायो में क्या हुआ? ये तो केमिस्ट्री की कहानी है। तो बायो में आई थिंक पहले कहा था कि एक पॉइंट तक आएगा जिसके अंदर हमारा प्रीवियस टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद सर ने कल बोला कि पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। अच्छा, वो फिर क्या कुछ मेजर पार्ट है क्या? यस सर, काफी वो मतलब काफी है काफी तो मेजर पार्ट है और बहुत टफ भी है, वो बहुत अच्छे से करना पड़ता है। फिर तुमने कहा क्यों नहीं सर को सर कि नहीं सर ऐसे ने मत माना करो? नहीं, सर ने सो माना कोई नहीं। हमारी बात ही नहीं सुनता। अच्छा, कोई बात नहीं सुनता तुम्हारी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं अभी सुनने लग गया। सर आप भी सुन लो, थोड़ा टाइम इंक्रीज कर दो ना। नहीं नहीं यार, वो मत करो, वो तो सर टेस्ट टाइम चलने मत दो। इंक्रीज करो, थोड़ा वो सिलेबस कटवा दो पेपर से, क्योंकि सबने शेड्यूल बनाया था कि कैसे पढ़ना है, सब कुछ खत्म करना है। बायो किस सब्जेक्ट का बताओ, किसी एक सब्जेक्ट का मैं करवा देता हूँ, बोलो। बायो बस सौरभ सर को कह दो कि वो वाला पार्ट, पेडिग्री नहीं वाला नहीं पार्ट नहीं कर। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कटवा दो, पूरा चैप्टर है बायो का, 4 पेज है। सर हाँ सभी से थोड़ा थोड़ा तेजस्वी कटवा ने दो, किया ही ना बायो उसने सर, सर से बायो पूछा, करवा सर दो, पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन ना बोल रही है। इसलिए। कोऑर्डिनेशन सर कटवा दो सर अभी, सभी से थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन कटवा कंपाउंड। दो ना। मुझे भाई थोड़ी वो बनाओ आपस में, यही चक्कर है तुम्हारे में ना, मेजोरिटी नहीं है इसलिए मार खा जाते हो। सर मेजोरिटी दोनों में कटवा दो। एक बार कोऑर्डिनेशन नहीं कटवाना सर, देखो जिस यस कमेंट सर भी आपको मैसेज कर कोऑर्डिनेशन। रहा है। कोऑर्डिनेशन फिर भी ठीक है, उसमें हम एक एक मिनट एक मिनट, पर यस सर कोऑर्डिनेशन बायो की गड़बड़ थी ना, बाकी तो मैं पहले ही पता था कि करना है। नहीं थी, जिस नहीं पता पता भी लास्ट में था बताया बताया था ना। ना। सही है सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, डिवाइड एंड रूल। नहीं सर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं कटवा रहा सर, पढ़ लिया। सर सर कोऑर्डिनेशन ऐसा करो, बायो कटवा दो, सर कोऑर्डिनेशन फिर बायो भी बहुत कटवा पढ़ा दो हुआ है, सर, बायो एक बार भी नहीं पढ़ा सारे कह था। रहे हैं बायो कटवा दो सर, बायो सर बायो सारे कर बायो दो, कटवा कोऑर्डिनेशन दो। कटवा बायो करवा दो,
सर पूल बने बाकी पूछ रहा ना सर देखो हम सब एग्री कर रहे हैं बायो कटवा दो यस सर बायो करवा दो बायो कटवा दो चलो एक बार बताओ कितने लोग चाहते हैं कि बायो कट जाए सब सारे सर बोल के दे हां रेज कर ओके हां हैंड रेज करना देखो कितने लोगों ने तभी भी नहीं किया आधी क्लास ने नहीं किया सर आई डोंट थिंक उन्हें पता कि हम किस चीज के लिए हैंड रेज कर रहे हैं मतलब वो सुनते ही नहीं कुछ मैं कुछ नहीं कह रही उसके बारे में वो देखो अभी मेरे पास एक मैसेज आया कोऑर्डिनेशन कटवा दो तुम्हारे किसी साथी का सब पूल बनवा लो ना एक बार सभी से पहले भी कोऑर्डिनेशन बोल रहा था मैंने नहीं बोला ये देखो मैंने सर मैंने बोला है नहीं नहीं उसने नहीं बोला सब बायो का सिलेबस हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने के लिए लाइक एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन का भी टेस्ट भी हो चुका है यस सर ठीक है बहुत लोगों ने चलो कर दिया हैंड रेज बायो के लिए ठीक है भाई मैं कोशिश करता हूँ उसका कुछ करवाने की आपको मैंने सर अगर बायो में फेल हुए तो कोऑर्डिनेशन करा देना कुछ ना कुछ बस करा देना एक बार चलो ठीक है हाँ ये कमेंट करता हूँ मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा पर सर फर्स्ट प्रायोरिटी बायो रखना प्लीज हाँ हाँ बायो कोशिश को हम कितना ऑप्टिमिज्म लेके चले ऐसा ना हो ना सैटरडे तक हम सोच रहे हैं आपने बायो कटवा दी फिर सैटरडे को नहीं 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 केमिस्ट्री कट नहीं 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 ऐसा नहीं करूंगा मैं जो होगा आपको आज शाम को मतलब मैक्सिमम 7 बजे तक मैसेज आ जाएगा उस चीज का ठीक है तो ठीक है सर मैं वो भी करा दूंगा कि अगर ऑनलाइन चेंज करना हुआ कुछ डाटा एल अरेंज की जैसे मर्जी हो चेंज हो जाए तो कराता हूँ फिर ठीक है मैं वैसे पूछता ही ना था सब ठीक से चल रहा था सर लास्ट ईयर समझ आता था क्योंकि सारे पेपर्स प्रिंट हो जाते थे इस साल ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन चेंज करना है चलो मतलब उसमें भी इन्वॉल्व तो होता है बट ठीक है मतलब अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी डन चलो ठीक है वैसे मैं बच सकता था ना पूरी चीज से मैं कुछ बोलता ही ना मैंने एमए पूछ लिया तैयारी कैसी चल रही है और आराम से हम करमन की प्रेजेंटेशन देखते तो आप लोग कौन सा बोल रहे थे बट चलो कोई बात नहीं करते हैं कुछ अच्छा बोलने वाले थे फिर ठीक है चलो ठीक है भाई करमन कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहा है हमें आज करमन मैंने आपको दे दी है परमिशन स्क्रीन शेयर की दिखाओ भाई करमन जो मन है मेरी तरफ से कोई चक्कर नहीं बट कुछ तुम्हारा हो मतलब वो भी दिखा दो मुझे कोई चक्कर नहीं है चल जो है दिखाओ गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो भी क्या हाल है तुम्हारे चलो आज हम लोगों का डिस्कशन है डिस्कशन करते हैं रमेश काम किया तुमने कौन सा काम जो लास्ट क्लास में दिया था हाँ सर वो किया है चलो दिखाओ कहाँ किया सर वो पेजेस पे है वो ढूंढना पड़ेगा बेटा तेरी उम्र में ना कभी मैं भी था ये तू कहानियां सुना रहा है ना तेरे मास्टर ने भी अपने मास्टरों को भी ये कहानियां सुनाई होंगी सुना ना तुमने क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो कुछ किया नहीं होगा तुमने छोड़ो यार चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सर डाउट हाँ बताओ
क्या डाउट है सर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक? भाई इसमें कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया? आसान सी अंग्रेजी तो दे रखी है, ऐसी कौन सी तोप ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी लिख दी यहाँ पे? अच्छा बता, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है ये बता. सर मैं मॉड्यूल खोल के बताता हूँ, मॉड्यूल दूसरे कमरे में है, वो लेके आऊं? अरे सर आप क्यों कष्ट करेंगे, हम आते हैं ना आपके घर पे ढूंढने. आप रमेश महाराज एक यार आठ लड़ादीश मठाधीश, आप क्यों कष्ट करेंगे सर? आप तकलीफ मत दे, हम आते हैं, लेके आ जल्दी. हाँ सर 10 किलो दे रखा है. तो वेट होता है mg, जी को 10 ले ले, आ गया आंसर. सर इसमें वेट नीचे लगेगा? ना ना नीचे क्यों होता है, रॉकेट ऊपर उड़ता है ना ऊपर, तो वेट ऊपर लगता होगा, है ना, ऊपर लगता है वेट. ठीक है सर, लेकिन हम कभी कभी नीचे भी लगाते हैं ना सर, तो आप वो बता दो कि कब ऊपर लगाना है कब नीचे लगाना है. अरे भाई वेट हमेशा नीचे ही लगता है, धरती माता नीचे खींचती है, ऐसा कब देख लिया कि दुनिया ऊपर उड़ने लग गई, वेट नीचे लगता है भाई. सर आप तो कह रहे थे रॉकेट की तरह ऊपर को लगेगा. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. सॉरी शक्तिमान. रमेश ये बता कितने घंटे पढ़ाई करते हो तुम? सर 6 घंटे. अरे बहुत बढ़िया, क्लास मिला के. ओह नो बेटा आज शाम को ना तेरी पीडीएम है, पेरेंट्स को लेके आई. सर भैया को ले आऊं? बेटा पेरेंट्स का मतलब समझता है? अच्छा अंग्रेजी तो टाइट है ना. ओके सर. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस सर ठीक, आप सुनाइए. गुड इवनिंग सर. बताइए सर रमेश कैसा कर रहा है क्लासेस में? सर रमेश तो अच्छा ही कर रहा है, हम ही लोग अच्छा नहीं कर पा रहे बस. कोई ना सर, हौसला रखिए, आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे 15-20 सालों में. शुक्रिया सर, दुआएं हैं आपकी. सर केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक चल रही है, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे इसके. इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए. लो सर. हाँ सर केमिस्ट्री और मैथ में तो बस नोबेल प्राइज मिलने ही वाला है. सर फिजिक्स में इतने कम नंबर क्यों आया इसके, आप ठीक से नहीं पढ़ाते क्या? सर अब ये तो रमेश ही बताए. पापा मैं तो सारा काम करता हूँ, सर मुझे डांट देते हैं. अगर 30 क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं तो उसमें से मेरे 28 हो जाते हैं में डाउट होता है. सर अब आप ही देख लो क्या ही होमवर्क करता है आपका बच्चा, क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं है पूरा और पढ़ के ही छोड़ देता है, पूरा भी नहीं पढ़ता, सोचता है चलो मास्टर तो है ही क्लास में पूछ लेंगे मास्टर. सर ऐसी बात नहीं है, मैं इसको घर पे देखता रहता हूँ सारा दिन, पढ़ता रहता है, बस एक घंटे की ब्रेक लेता है बीच में. सारी नोटबुक्स दिखाओ. दिखा भाई नोटबुक्स दिखाओ अपनी सारी. पापा वो तो मैं पेजेस पे लिखता हूँ, वो तो ढूंढने पड़ेंगे. बस ये मोबाइल पे आपके लेक्चर सुनता रहता है हेडफोन्स लगा के. सच में सर? लगता तो ऐसे ही था सर. सर अब मैं ना आपको इसकी सारी कहानी सुनाता हूँ. ये घर पे कोई पढ़ाई नहीं करता है, ये बेवकूफ बना रहा है आपका और हमारा, ऐश काट रहा है जिंदगी की. अगर इसी तरह चलता रहा ना चितकारा में भी एडमिशन नहीं मिलेगा. मैनेजमेंट कोटा में दिलाता हूँ. मैनेजमेंट कोटे में भी नहीं. ओह नो सर, मेरी वाइफ ही घर पे इसकी पढ़ाई देखती है, आप इसको बोल दो. मैम आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. सर इकलौता बच्चा है हमारा, हम कितना ही डांट दें, आप इसको डेली फोन करके बोल दिया करो कि पढ़ाई कर रहे, हमारी तो मानता ही नहीं है बिल्कुल भी ये. हाँ जी सर आप ही कह दिया करो इसको. हाँ सर कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपके? सर इसको फोन करके उठा दिया करो, पढ़ने बैठा दिया करो, फोन करके खाने वगैरह का भी पूछ लिया करो, एक्सरसाइज का भी पूछ लिया करो. सर कुछ रह गया? हाँ सर ये ना कभी कभी फ्रेश कपड़े धोना भी भूल जाता है, वो भी फोन करके इसको याद दिला दिया करो. कितने उच्च ख्याल है सर आपके, कोई डिप्लोमा वगैरह किया है या ये सेल्फ बिल्ड है? बस सर आप जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है. वाह वाह शुक्रिया सर, धन्यवाद. कैसी थी वीडियो बच्चों? करमन ने बहुत एफर्ट किया अभी. चीटिंग कर गया करमन. ये तो मैंने रखी हुई थी कि चल बाई चांस कुछ अपना हुआ कि
जो मैं तुमसे पिछले दिनों कह रहा था कि हाँ भाई कुछ रखते हैं कि उसमें दिखा दूंगा, तभी मैं कहूं करमन इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया। हाँ वही ना, वो फायदा उठा गया करमन ट्रिक का। हाँ वैसे तो बाकी भी थे। मैंने ना अभी एस्पायर में एक बैच में मतलब वैसे ही प्लान किया था जैसे आपके बैच में मैं कह रहा था, तो मतलब वहां पे यही कहा था कि हर बच्चे ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है। तो हर बच्चे ने, एक्चुअली हर बच्चे ने, मतलब उस बैच में 22 बच्चे थे और 22 के 22 बच्चों ने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया, मतलब कुछ भी जिसका भी जो था, जैसे भी कोई प्रेजेंटेशन थी या कुछ थी, और अपना खुद का काम प्रेजेंट किया। तुम सब नलायक हो। बट चलो जैसे भी है, करमन ने हिम्मत करके दिखा तो दी। अच्छा करमन गाना भी गाता है? करमन तैयारी करो भाई, तुम भी कुछ। मैं तो फन क्लास रखने को तैयार हूँ, तुम ही नहीं कुछ है? कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है, तुम बस एक दूसरे का नाम लगा के बस वहां पे ही बात खत्म कर देते हो। हाँ देखो पहली बार कहा है आर्यमन ने, कहा है कि वो डांस करेगा। ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही सकता है यार, कुछ थोड़े से लोग भी आगे आओ, मैं तो तैयार हूँ, कितनी बार कहूंगा। हाँ गेम्स खेल सकते हैं। स्क्रिबल खेल लेंगे ना टीम्स बनाकर। स्क्रिबल क्या होता है? स्क्रिबल वो ऑनलाइन गेम होती है, आप अगर थोड़े ग्रुप्स अच्छा। बना लो तो कनेक्ट करके आप खेल सकते हो। ड्रॉ करना होता है और आपको वर्ड गेस करना होता है। अच्छा रैंडम ड्रॉयर्स मिलते हैं, जो 7 पार्टिसिपेंट्स है तो एक ड्रॉ करेगा, बाकी गेस करेंगे टाइम के अंदर। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक रखते हैं, ठीक है? मेजर क्लास के बाद, टेस्ट के बाद नेक्स्ट वीक को एक सेशन रखेंगे सर, एंड आई विल ट्राई कि मतलब सारी टीचर्स इन्वॉल्व हो जाएं उसमें, फिर मजा आएगा। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। आईक्वेस्ट सितंबर में नहीं खुलेगा बच्चों, वो पता नहीं कैसे रूमर्स फैले हुए हैं। IQS क्या मतलब, कुछ भी नहीं खुल सकता सितंबर में, दिसंबर तक कोई चांस नहीं है। मतलब ये एक्चुअली बात वहां से उठी थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि बच्चे डाउट्स पूछने के लिए जा सकते हैं 21 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो लेकिन वो पंजाब ने तो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है वो रूल, एंड जो सिचुएशन चल रही है मुझे नहीं लग रहा कि वो करेंगे। मतलब जब अलाउ हो जाएगा तब तो खुल ही जाएगा।
अरे मैं कैसे खुलवा दूं, मेरे हाथ में थोड़ी है। वो पता नहीं, अब देखते हैं कब खुलता है, किस फॉर्म में वो खोलने देते हैं, तो क्लासेस का क्या होगा, कैसे होगा। ओके ये बच्चों किया फिर काम। हाँ जी इसमें बताओ बच्चों, एक्सरसाइज जीरो। ए पार्ट, हाँ बच्चों बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम हमने उसमें किया हुआ है, जो पिछला चैप्टर था एसी जनरेटर, वही क्वेश्चन है ये। राइट, तो वही वाला रिजल्ट लगाना है। तो एन ए बी ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाना फर्स्ट के बाद कौन सा है, फिफ्थ। तो इसमें क्या करना है, बस उसके अंदर पुट कर दो, एक्सप्रेशन के अंदर आंसर आ जाएगा। साइन के अंदर क्या डल गया, ओमेगा टी। ओमेगा कैसे निकलेगा फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा इज 2πf, राइट। तो बस उसके अंदर पुट कर देंगे, उससे आंसर निकल आएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, तो बस आपने देखो बच्चों यही चेक करना है किसी, ये जो 234 होता है ये मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज आरएमएस वैल्यू, जबकि जो साइन के बाहर लिखी होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, पीक वैल्यू। ठीक है, तो बाहर जो टर्म आनी है उसी से ही आपका आंसर आ जाएगा, वो आनी चाहिए 234 इंटू रूट टू। तो वो देख लो कौन सा बनता है, आई थिंक ये 331 वाला बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बच्चों ये चैप्टर प्लीज साथ साथ कर लेना, ऐसा ना हो कि जब तक आप अपने टेस्ट से फ्री हो और सोचो कि अब मैं करूंगा ये चैप्टर, इतने में चैप्टर ही खत्म हो जाए, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय करंट टू राइज फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू। तो आप क्या करोगे सिक्स्थ क्वेश्चन में, बच्चों वैसे आपको ख्याल मतलब थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ये सारा हम एक तरह से एसएचएम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो
तो सिक्स्थ में आपने क्या करना है, आई की वैल्यू को आई नॉट बाय रूट टू पुट कर देना. तो आई नॉट बाय रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन टू पाई एन टी. तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ सम क्वांटिटी इज वन बाय रूट टू, तो दैट क्वांटिटी इज फाइव बाय फोर, राइट. तो टाइम क्या बन गया, एन बाय एट. n by 8 नहीं, 1 by 8 n, वो मैंने गलत लिख दिया. हाँ जी, 10th question. देखो बच्चों, अगेन SHM. क्या बच्चों आपको याद है SHM में ऐसा question आपने किया होगा पक्का, कि what is the amplitude of a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. अगर ऐसे एस एच एम हो, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये क्या हुआ कि नहीं, ठीक है. हाँ, तो बस उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऐसे ही दी हुई है इक्वेशन. देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. और इफेक्टिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, आरएमएस. ठीक है, तो बस आप क्या करोगे, पहले तो पीक वैल्यू निकाल ली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके. नहीं, एक सेकंड, इसका आंसर क्या दिया बच्चों पीछे, मुझे एक मिनट चेक करना है, गलत तो नहीं दिया हुआ. 2 दिया या रूट 2 दिया, रूट टू दिया, फिर ठीक है. तो लेकिन इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी लिखवाया को नीचे, क्यों बताओ, बिकॉज ये सीधा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी नहीं है, उसके साथ आगे भी है. तो एक अलग से भी है 30 डिग्री, है ना. तो ये मुझे पता नहीं आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए कि नहीं किए हुए, अभी आएगा आगे. तो मतलब अगर अभी ये नहीं हुआ है तो फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दो, मैं अभी बता दूंगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है. जस्ट वेट फॉर दिस क्वेश्चन. आगे सर, जो 9th क्वेश्चन है सर, वो तो उसी फॉर्मूले से हो जाएगा ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. हाँ, 9th में वो हो जाएगा जो एक्चुअली मैंने अभी बोला, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 12th क्वेश्चन है सर. ट्वेल्थ अभी छोड़ दो, पावर वाला. 13th बच्चों, इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस. तो आपको बस वो वोल्टेज अपॉन करंट करना है, वैसे भी लिखेंगे हम आगे, बट अगर अभी के लिए करना हो तो 14th छोड़ दो. एट्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये ना आपको एक बार ऐसा लगेगा कि मैथमेटिकल्स है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, तो मतलब फालतू का चैप्टर है, आराम से हो सकता है. तो डोंट लीव इट, कर लेना है पक्का अच्छे से.
ओके तो एट्थ क्वेश्चन में जो करना था आपको दिया हुआ है 100 साइन पाई टी कॉस पाई टी, तो उसमें अब आप क्या यूज करोगे? वीडियो के बहाने सबने मेरी शक्ल तो देख ली होगी ना अभी तक, तो नहीं तो हो सकता है कईयों को पता ही ना हो। तो ये 50 इंटू आ गया 2 साइन पाई टी कॉस पाई टी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, तो ये पाई टी नहीं 100 पाई टी या पता नहीं क्या 100 पाई टी। तो ऐसे लिख दिया, ये एक बन क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये बन गया 50 इंटू साइन 200 पाई टी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो पीक वैल्यू वो क्या हो गई 50, और फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे हम, जो टी के साथ लिखा हुआ है वो ओमेगा है, राइट? तो ओमेगा हो गया 200 पाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओमेगा बाय 2 पाई, तो ये हो गया 100, ठीक है। अच्छा वो जो एक बात याद आई बाय चांस, जैसे मैं बार बार एसएचएम बोल रहा हूँ तो मुझे, आपको क्या ख्याल है कुछ मंथ्स पहले हम पता नहीं क्या पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि वो हीट में पता नहीं थर्मो में एक फॉर्मूला आता है मीन फ्री पाथ वाला, कि वो हर कोई पक्का से याद कर लेना, याद है जो मैंने तब बोला था कि टेस्ट में भी डालूंगा लेकिन मैंने डाला नहीं था। कितने लोगों ने मुझे बताना एक बार हैंड रेस करके, कितने लोगों ने एक्चुअली वो जाके पढ़ा था और याद कर लिया वो फॉर्मूला? चलो गुड, पर अब होता क्या है देखो, वो क्वेश्चन आ गया इस बार नीट में, राइट? और आपको पहले ही बताया था कि आसान पेपर हो तो हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, अब उसमें मुश्किल तो कुछ था ही नहीं, सीधा फॉर्मूला है आ गया, राइट? और कुछ नहीं, मतलब फॉर्मूला ही पूछा था, ये भी नहीं कि फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के पूछा था, फॉर्मूला ही पूछा था उसका कि क्या होता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप प्लीज बिल्कुल कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार की कट ऑफ आई बिलीव, बाकी तो किसी को नहीं पता, बट आई थिंक इट शुड बी अराउंड 600 तो मतलब पक्का नहीं जाएगी। मैं पंजाब की कर रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1 फिफ्थ क्वेश्चन, RMS वैल्यू दी हुई है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और पीक वैल्यू पूछी है, तो पीक वैल्यू तो RMS से निकल ही आएगी रूट टू करके, तो 10 रूट टू करके निकल आई पीक वैल्यू। और बच्चों 0 से मैक्सिमम वैल्यू
जीरो से मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर आपने इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो बस E को आपने E नॉट डाल दिया, राइट right? तो यहां से ओमेगा टी की वैल्यू क्या बन गई, साइन ऑफ समथिंग इज वन, तो ओमेगा टी की वैल्यू बन गई फाइव बाय टू, तो इधर से टी निकल आया। बच्चों एक आपने ना एसएचएम में पक्का एक चार्ट बनाया होगा कि बॉडी ने जब मान लो ऐसे एक पूरा पाथ फॉलो किया कि किस टाइम पे क्या पोजीशन होती है जनरल, जैसे ये जीरो है, ये ए है, ये माइनस ए है, तो एक पूरा साइकिल ऐसे होता है, तो आपको ऐसा कुछ बनवाया गया होगा कि जो ये आधा टाइम होता है, आधी पोजीशन होती है जब, मतलब ए बाय टू पे जब वो है, तो जो टाइम होता है क्या होता है टाइम बच्चों, क्या देखा किसी को, टी बाय सिक्स, ठीक है। जब वो ए पे पहुंचता है तो क्या टाइम होता है, टी बाय फोर, मैंने ठीक लिखा है टाइम, और एक होता है कि मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है, टी बाय सिक्स कैसे आया, आना तो इसी एक्सप्रेशन से ही है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको, नहीं मतलब वो तो ठीक है अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो इनिशियली वो और तेज नहीं होगा, तो अगर वो टी बाय फोर है तो वो टी बाय एट से कम नहीं होना चाहिए टाइम, तो मैं वही देख रहा हूँ कि कुछ तो शायद गलत लिखा गया, निकाल ही लेते हैं, हाफ को साइन ओमेगा टी पुट करना है, तो ओमेगा टी की वैल्यू हो गई फाइव बाय सिक्स, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी, तो ये टाइम आएगा कितना है टी बाय ट्वेल्व, तो ये टाइम आ गया टी बाय ट्वेल्व, और एक हम देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है कि जब उसका ए बाय रूट टू वाला जो केस होता है, तो ये तो पोजीशन है ए बाय टू वाली, अगर हमें देखनी है पोजीशन ए बाय रूट टू वाली, बताओ उस पे क्या टाइम आता है ए बाय रूट टू वाले पे, टी बाय एट, मतलब बेसिकली हमने क्या किया है कि सेंटर से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो
आधा टाइम लगा, देखो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम लग रहा है टी बाय फोर, तो उसका आधा क्या हुआ टी बाय एट, तो आधे टाइम पे निकाल लिया क्या पोजीशन है, और जब आधी पोजीशन हुई मतलब ए बाय टू हुआ उस पर टाइम निकाल लिया, राइट। हम जल्दबाजी में कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि आधा मूव किया तो टाइम भी आधा कर दिया, तो ये ध्यान रखना है कि आधा टाइम और आधी डिस्प्लेसमेंट आर टू सेपरेट थिंग्स। तो ये वैल्यूज याद रखना मतलब वर्थवाइल है। आप देखोगे कि जितने भी ऊपर क्वेश्चंस थे उन सब में यही के यूज हो रहा है केस, या टी बाई ट्वेल्व वाला या टी बाई एट वाला। अगर और कुछ भी आ जाए तो हमें पता है कि इस इक्वेशन में ही पुट करके निकालना है, ठीक है जी। तो जैसे वो जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू था तो वो कौन सा केस हो गया, टी बाय फोर। आगे बच्चों, एट क्वेश्चन फिर वैसे ही हो गया है ना, सेवेंथ भी यही है टी बाय फोर, नाइन्थ भी वही है, टेंथ अभी नहीं करना पावर वाला। तो आगे बढ़ते हैं हम, जीरो का पहला Yes. यहाँ पे डाउट मेरा ये था कि हम एन ए बी ओमेगा से क्यों निकाल रहे हैं, मैक्सिमम तो पूछा है ना, उसने पूछा एम्पलीट्यूड तो नहीं, एम्पलीट्यूड वही होता है मैक्सिमम पीक वैल्यू। अच्छा ठीक है, मैं आरएमएस ले रहा था बार बार, ठीक है। हाँ बच्चों, हम यहाँ पे थे। एक बच्चों पॉइंट लिख लो, ये लास्ट टाइम चोक कॉइल एक इंडक्टर होता है, ये बच्चों आपने एक आध जगह पढ़ा होगा किसी क्वेश्चन में या थ्योरी में, चोक कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर। तो बच्चों एक ना, ये जहां पे हम जब हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम मेजरमेंट ऑफ एसी, हमने समझा था कि डीसी गैल्वेनोमीटर एसी मेजर नहीं कर सकता, और इसलिए हम एसी मेजर करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस यूज करते हैं जिनको हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो एक बात आप सोच सकते हो लॉजिकली कि क्या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से डीसी मेजर हो जाएगा, होना चाहिए राइट, क्योंकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट तो बेस्ड इस पे है कि उसने तो हीट मेजर करनी है, तो हीट तो डीसी में भी है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये नोट कर लेना कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डीसी भी मेजर कर सकता है, डीसी गैल्वेनोमीटर एसी मेजर नहीं कर सकता, लेकिन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डीसी मेजर कर सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों लास्ट टाइम। अच्छा हाँ ठीक है, ये हमने यहां तक किया था राइट। चोक वाला मैंने कहा था, आपने कई जगह क्वेश्चन में पढ़ा होगा चोक कॉइल, चोक कॉइल इज नथिंग बट एन इंडक्टर। ओके, इस चैप्टर में बच्चों आगे बढ़ने के लिए हमें एक अनफॉर्चुनेटली एक और मैथमेटिकल टेक्निक पढ़नी है जिसको हम कहते हैं एज फेजर्स, ठीक है। है ये बच्चों बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, तो कुछ ऐसे नहीं सोचना, और काम बहुत आएगी टेक्निक, मतलब इससे आपका इस चैप्टर के भी क्वेश्चन होंगे,
SHM के भी होंगे जो इससे अगला चैप्टर है अपना EM waves, उसमें भी काम आ जाता है, जो आगे एक चैप्टर है अपना वेव ऑप्टिक्स उसमें भी फायदा हो जाता है, तो इसको समझना बच्चों। अच्छा सर ने करवाया हुआ है क्या SHM में? अच्छा ठीक है चलो फिर तो आपका रिकैप हो जाएगा। एनीवेज मैं तो पढ़ाई रहा हूँ। यस तो फेजर का क्या मतलब होता है बच्चों कि जब हम एक क्वांटिटी लेते हैं एज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है, और हमें पता है कि इसी टाइप की इक्वेशन बनती है SHM में भी और वेव्स एक्सेट्रा में, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस एक्सप्रेशन को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्म देखो क्या है, हम कहते हैं कि y इक्वल टू सेन ए साइन ओमेगा टी इज एज गुड एज कि अगर हम एक वेक्टर लें, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम a कर दें, ठीक है, ये जो रेड वेक्टर है इसकी लेंथ को हमने कर दिया a के इक्वल, जो वहां पे एम्पलीट्यूड था या पीक वैल्यू थी, ठीक है, उसका x एक्सिस के साथ एंगल कर दिया ओमेगा t, ठीक है, तो ये जो रेड वेक्टर है बच्चों इसका y कंपोनेंट कितना हुआ? a साइन ओमेगा t, isn't it? तो भाई मैथमेटिकली a साइन ओमेगा t निकालना कि भाई आपने साइन के अंदर t की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और उससे निकाला, इज एज गुड एज कि हम एक वेक्टर लें जो कि एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, उसका x एक्स के साथ एंगल हो गया ओमेगा t, तो उसका y कंपोनेंट, तो इसका y कंपोनेंट हमें वही वैल्यू दे देगा जो लेफ्ट हैंड साइड से हमें मैथमेटिकली मिल रही थी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो अब हमें क्या समझनी है इंपॉर्टेंट बात कि कैसे हमने उस क्वांटिटी को फिगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से एक बार ये देख लो, फेजर का मतलब क्या है बच्चों? रोटेटिंग वेक्टर। तो ये जो रेड वेक्टर है इसको हम फेजर कहते हैं। तो एक बार हम ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है, कि मतलब कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। वाई तो सेम हो गया, मतलब वाई तो लॉजिकली समझ आता है, वाई मतलब वाई एक्सिस। जो ए है, ए कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। तो हम जो वेक्टर बनाएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द पीक वैल्यू। ओमेगा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? एज द एंगुलर स्पीड ऑफ द वेक्टर। तो ये बच्चों हम बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, ठीक है, ये फिक्स किया हुआ है बस कन्वेंशन। तो बेसिकली ये क्या हो गया? टाइम का कोफिशिएंट। और जो x एक्सिस के साथ एंगल है वो क्या है? ओमेगा t, जिसको हमें पता है कि वी ऑल्सो कॉल इट एज फेज, जिसका भी हम साइन या कॉस लेते हैं वो जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एज फेज। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं कन्वीनियंस के लिए, अगर कुछ मेंशन्ड ना हो, अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया तो अलग बात है, अगर मेंशन्ड ना हो तो हम जो फेजर बनाते हैं वो t इक्वल टू जीरो पे बना लेते हैं। ठीक है, वैसे आप किसी भी टाइम पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम उसको t इक्वल टू जीरो पे बना देते हैं।
तो बच्चों हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फेजर बनाना भी आना चाहिए और फेजर से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना भी आना चाहिए, बोथ फेज आना चाहिए. एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? जिस वेलोसिटी से वो वेक्टर घूम रहा है, एक तरह से रेड वेक्टर. नहीं, मैंने ऊपर t इक्वल टू जीरो पे नहीं दिखाया, ऊपर तो मैंने जनरल दिखाया, आगे आपको बताया कि हाँ कन्वीनियंस के लिए हम बना सकते हैं. ये कोफिशियंट लिखा है बच्चों मैंने. कोफिशियंट का क्या मतलब होता है? जो टी के साथ लिखा हुआ है बस. बच्चों एक ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, फेजर तभी ड्रॉ होता है जब आप अपने एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट कर लेते हो. तो अगर हमारे क्वेश्चन में कॉस भी होता है तो भी हम उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो फिर से हम क्या करते हैं कि वेक्टर बनाना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड और उसका जो एक्स एक्सिस का एंगल है वो है फेज. हम कहने को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ले सकते थे, बट हमने बस फिक्स किया हुआ है, कन्वेंशन बनाई हुई है कि वाई कंपोनेंट ही लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है. ऐसा सच कोई इशू नहीं था. नहीं सर, अगर मतलब कॉस में दिया हो हमें कॉस ओमेगा टी, हाँ तो सर अगर उसका हॉरिजॉन्टल. नहीं नहीं, हम आगे देखेंगे कि हम इस तरीके से इसकी मैथ्स बनाना चाहते हैं कि सारा कुछ वाई कंपोनेंट के हिसाब से ही आए. अगर वाई और एक्स दोनों आ जाएंगे तो फिर मतलब खिचड़ी बन जाएगी, हमें एक ही कंपोनेंट में बात करनी. ओके सर. तो देखो बच्चों इसको हम यूज कैसे करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है y इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी प्लस फोर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री. तो एक तो बच्चों आपको ख्याल आ जाएगा जो मैंने अभी बोला था क्वेश्चन हो जाएगा, वो बिल्कुल इसी टाइप का ही था, ऑलमोस्ट इसी टाइप का था, राइट? तो हम ये दो क्वांटिटीज को ऐड करना चाहते हैं और इनको ऐड करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है शायद आपने ऐसा क्वेश्चन एसएचएम में भी किया हो. ये है क्या एक तरह से सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स ही है, तो हो सकता है आपने वहां भी किया हो कि भाई रिजल्टिंग एसएचएम का एम्पलीट्यूड निकालो. राइट? तो टेक्निक क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एनीवेज, टेक्निक क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशंस के फेजर बना लो. बताओ y इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी का फेजर कैसा बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा टू और उसका x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा जीरो, जो हमने फिक्स किया हुआ है कि t इक्वल टू जीरो पे बना लो, राइट? सिमिलरली जो दूसरी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया फोर और उसका क्या एंगल हो गया x एक्सिस के साथ पाई बाय थ्री. तो हमारे पास दो वेक्टर्स बन गए. एक वेक्टर ब्लू वाला टू वाला मैग्नीट्यूड टू एक्स एक्सिस के साथ, एक वेक्टर ग्रीन वाला मैग्नीट्यूड फोर उसका एंगल सिक्सटी.
एक बात बच्चों याद रखनी है कि जो फेजर्स वाली टेक्निक है वो तभी यूजफुल है जब आप कुछ क्वांटिटीज को एड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इस एग्जांपल में, एंड उन सारी क्वांटिटीज का ओमेगा सेम हो. ठीक है, मतलब बाय चांस अगर ये एक्सप्रेशन ये होता कि y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाय 3 इसको. ठीक है, ओके. तो अब क्योंकि हमने ये दोनों वेक्टर्स बना लिए, तो क्योंकि हमने इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना था, इट इज एज गुड एज सेइंग कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो. तो हमने क्या किया, ये रेड वाला वेक्टर बना दिया जो कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया. तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा करके, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2√7. एक बार वेरीफाई कर लो, क्या वो वैल्यू 2√7 आ रही है बच्चों? तो क्या किया हमने, पहले फर्स्ट वाली क्वांटिटी का फेजर बना दिया, उसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया और उसका एंगल 0 है. फिर हमने जो सेकेंड वाली क्वांटिटी है उसका फेजर बना दिया, उसका मैग्नीट्यूड 4 है एंड हम देख सकते हैं कि उसका जो एंगल है वो पाई बाय 3 बन गया. तो क्योंकि हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करना इज एज गुड एज सेइंग कि रिजल्टेंट ले रहे हैं हम इन दोनों वेक्टर्स का. एक्स एक्सिस पे 2 बनेगा ना, क्योंकि एंगल 0 हो गया पहले वाले टर्म का. तो बच्चों मान लेते हैं कि ये जो रेड वेक्टर है, अब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है. ठीक है, तो अब ये फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम देखें तो फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम वो रेड वेक्टर है जो उसके करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कंप्लीट करें, तो जो परपेंडिकुलर है अगर हम देखें, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, जो ग्रीन वेक्टर है उसका y कंपोनेंट, मतलब 4 साइन 60, isn't it? ये समझ पा रहे हो, ग्रीन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो तो सेम ही आएगी. और जो बेस है, बेस टोटल कितना बन गया जब हम दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो एक का तो एक्स कंपोनेंट 2 ही है और दूसरे का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, 4 cos 60. तो एक बार दोबारा समझो, ब्लू वाले वेक्टर का तो 2 ही है एक्स कंपोनेंट और जो ग्रीन वाला वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज 4 cos 60 इक्वल टू 2. तो इससे आपके पास जो एंगल बन गया tan phi बन गया 2√3/4 जो कि बन गया √3/2. इसको बच्चों अगर आप चाहो तो आप अपने उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो जो वेक्टर्स वाला फॉर्मूला होता है कि a sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा जैसा कुछ. मुझे तो वो तो जनरली मुश्किल लगता है याद करने में. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे ही निकाल लो सीधा, टोटल y कंपोनेंट अपॉन टोटल x कंपोनेंट करके. तो ये एंगल बन गया phi. सबको ये समझ आया tan phi कैसे आ गया?
सर हमने टेन फाइव मतलब हमने एंगल निकाला किस साइड का है? हमने निकाला है ये एंगल फाई क्या है जो रेड वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है. तो अब बच्चों अब उल्टा सोचो, आपके पास रेड वेक्टर है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? अभी तक हमने उल्टा किया था, मैथमेटिकल फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखा बनाया था. अब सोचो कि फिगर बना हुआ है रेड वेक्टर, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बाहर क्या आएगा टर्म के? वाई इक्वल टू, उसके आगे क्या लिखा आएगा जो क्वांटिटी होगी? टू रूट सेवन है ना जो एम्पलीट्यूड होता है. अंदर क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इसको ध्यान से देखो, जैसे हमने जो ग्रीन वाला वेक्टर था वो कैसे बनाया? ग्रीन वाले वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी? फोर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई थ्री. तो उसका अगर x एक्सिस के साथ एंगल पाई बाय थ्री बन रहा था तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या था? ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री था, राइट? सिमिलरली इसका क्या एंगल बन रहा है? फाइव. तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन गई? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. एक बार इसको देख लो ध्यान से, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क. हमने बेसिकली किया क्या है कि भाई हमने कहा कि इन दोनों क्वांटिटीज को सीधा तो हमें मैथमेटिकली तो ऐड करना आता नहीं है, तो हमने क्या किया कि इनको वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर लिया. तो ऐड करके सिंगल वेक्टर बना लिया और उसको हमने फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. एक बार फिर से सुनो, मतलब ये फेजर टेक्निक आई ही क्यों है बच्चों? देखो, फेजर टेक्निक इसलिए आई है कि अगर हमें ऐसे साइन कॉस वाली क्वांटिटीज को एड सब्ट्रैक्ट करना हो सीधा तो मुश्किल आती है मैथमेटिकली करने में. तो हमने क्या अप्रोच फॉलो की है? हमने कहा कि जो क्वांटिटीज थी, जो दो क्वांटिटीज थी अलग अलग, हमने उन दोनों के वेक्टर्स बना दिए. वेक्टर्स कह लो या फेजर कह लो, और उनके वेक्टर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, तो उनके वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बन गया. और फिर ये जो सिंगल वेक्टर है उसको हमने दोबारा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. जब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना कि भाई एंगल सिर्फ फाई नहीं लिख देंगे, उसके साथ एक ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा. वो एंगल फाई सिर्फ इसलिए बन रहा था क्योंकि हमने इनिशियली एंगल टी इक्वल टू जीरो मान लिया था, अदरवाइज तो ओमेगा टी की टर्म आएगी. इसको आप ग्रीन वेक्टर से देखोगे तो और क्लियरली समझ आ जाएगा कि भाई ग्रीन वेक्टर का वैसे तो एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री था, बट फिगर के अंदर तो पाई बाय थ्री दिखाया. ऐसे ही रेड वेक्टर का जो एंगल फाई है तो असली में क्या एंगल होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव. एक बार इसको देख लो अच्छे से दोबारा, बाकी अभी हम आगे भी इसकी बच्चों बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा. टू रूट सेवन कैसे आया? वेक्टर्स के रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है,
सर हमने ये कैसे बोला कि ओमेगा टी वाली टर्म वही रह गई, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया? क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर ओमेगा सेम होगा तो आप किसी भी इंस्टेंट पे बना लो तो ब्लू वेक्टर और ग्रीन वेक्टर की पोजीशंस, रिलेटिव पोजीशंस यही होंगी। हाँ जी, तो रेड वेक्टर की पोजीशन भी उनके रिलेटिव हमेशा यही आएगी। अच्छा सही है, ठीक है। ओके यस, तो ये 2√3 कैसे आया? 2√3 आया है, हमने ग्रीन वेक्टर का वाई कंपोनेंट लिया 4 sin 60। ओके, उसके बाद टैन फाई से एक बार वापस से बता दीजिए। टैन फाई कैसे निकला है? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट करके, तो वाई कंपोनेंट बन गया 4 sin 60 और एक्स कंपोनेंट क्या बन गया? टोटल 2 तो ब्लू वेक्टर का ही आ रहा था और दूसरा ग्रीन वेक्टर का 4 cos 60 जो किया वो भी 2 आ गया, तो उससे बन गया tan phi root 3 by 2। और फिर हमें हमने इस ग्राफ में जो भी हमने बनाया है फिर जार से, फिर हमने उसे फिर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज किया था? कि जो वेक्टर की लेंथ है वो एम्पलीट्यूड होता है, वो साइन के बाहर लिखा जाता है, और जो उसका एक्स एक्सिस का साथ एंगल है वो साइन के अंदर लिखा जाता है। ओके सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। हाँ, मतलब हमने जो फिगर बनाया है उस फिगर के अंदर हमने टी को 0 बनाया था। अगर हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि इसको किसी भी और टाइम टी पे बना लेते, तो कैसा बनता हमारा फिगर? तो हम ये कहते कि भाई देखो, मान लो ये ब्लू वाला वेक्टर है 2, उसका एंगल है ओमेगा टी, ग्रीन वाले वेक्टर का एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, मतलब ब्लू वेक्टर से 60 एंगल ज्यादा, तो वो कुछ ऐसे आता, ठीक है। फिर हम इनका रिजल्टेंट लेते, ऐसे, जिसमें कि ये एंगल फाई बन जाता। तो मतलब क्या है कि किसी भी टाइम टी पे ये 3 वेक्टर्स बनेंगे तो आपस में ऐसे ही, सिर्फ ये होगा कि ये पूरे के पूरे 3 वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे जैसे जैसे टी बढ़ता जा रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हमने दूसरा फिगर क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे, बट इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा, मतलब क्योंकि वो टेढ़ा हो गया तो एक्स वाई लेने मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए हम पी को 0 ले लेते हैं, ठीक है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेटिव पोजीशंस, मतलब आपको यह समझ आना चाहिए कि अगर ब्लू वेक्टर बना हुआ है तो ग्रीन वेक्टर कैसे बनेगा, कि भाई ग्रीन वेक्टर जो है उसका एंगल ब्लू वेक्टर से 60 ज्यादा है, राइट? जो रेड वेक्टर है उसका एंगल ब्लू वेक्टर से 5 ज्यादा है, ठीक है। ये आगे और आएंगे एग्जाम्पल्स, आपको और क्लियर होता जाएगा। सर यस, सर अगर क्वेश्चन में सर टी की वैल्यू को कुछ दिया होता तो भी सर हम उसे मतलब कि 0 एज्यूम करके सर उसके बाद बस फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे? हाँ, मतलब आप ये देखो कि जो फाई आ रहा है और जो 2√7 आ रहा है, जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, उसको टी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर। हाँ, आप
इंस्टेंट जो मर्जी लो, आपके फेज और एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम ही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मतलब मैंने लिखवाया था कि आप t इक्वल टू जीरो पे बना सकते हो। सर मतलब बस यही वाला मतलब कि मेथड करके सर उसके बाद बस फाइनल इक्वेशन में t को पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन अभी हम जो आर करेंगे आगे अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा। देखो तो ये जो हमने सारा पढ़ा है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टर के लिए बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टर के लिए जो वोल्टेज थी वो इस टाइप की थी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट था वो E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी आ गया था। ठीक है, तो बच्चों आप एक बार ट्राई करो, हमने कोई रिजल्टेंट नहीं लेना, बस आप एक ही फिगर में ये दोनों फेजर्स ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, करंट का भी और वोल्टेज का भी। ट्राई करो, हाँ बच्चों हुआ।
तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें तो बहुत ही आसान है, t इक्वल टू जीरो डालेंगे, एम्पलीट्यूड e नॉट बन गया वोल्टेज का, ठीक है, तो x एक्सिस पे ही बन गया, दूसरे का करंट में एम्पलीट्यूड क्या बन गया, e नॉट बाय r, और उसका भी x एक्सिस पे ही एंगल बन गया, तो ये इस तरीके से बन जाएंगे। ये सबको समझ आ रहा है बच्चों? यहां हमने कोई रिजल्टेंट नहीं लेना इनका, सिर्फ बस फेजर ड्रॉ करने, राइट? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, देखो जो इसको बहुत ध्यान से समझ, पिछली क्लास में लिखा था याद है, हमने कहा था कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, आपने पहले भी ये स्टेटमेंट सुनी हुई है और क्वांटिटीज के लिए। तो जब हम कहते हैं कि कोई दो क्वांटिटीज सेम फेज में हैं, ठीक है, तो फेजर डायग्राम में उसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं उनके फेजर्स, ठीक है। तो हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई मान लो हमें वोल्टेज का फेजर दिया है तो हमें कहा गया करंट का फेजर ड्रॉ करो या उल्टा। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर रेजिस्टर है तो उसके केस में करंट और वोल्टेज के फेजर्स जो हैं वो आपस में कोइंसाइड ही करते हैं या ऊपर ओवरलैप ही करते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ गई? फिर से इस बात को समझो ध्यान से कि जब हम कहते हैं सेम फेज, पहले हम सेम फेज कैसे बताते थे देख के कि भाई हाँ दोनों के साथ साइन ओमेगा टी है, ठीक है, फेजर डायग्राम के हिसाब से उसको कैसे बताना है कि उन दोनों के फेजर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो बच्चों अब आप नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली कि ब्लू वेक्टर छोटा है या बड़ा है, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, राइट? अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ब्लू वेक्टर छोटा होगा रेड वेक्टर के मुकाबले। ये एक्चुअली रेड वेक्टर, बच्चों एक ध्यान रखना, ये रेड वेक्टर उसके आगे से नहीं शुरू हो रहा ब्लू वेक्टर के, वो छिप गया है, रेड वेक्टर 0 से ही शुरू हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसे और ब्लू वेक्टर की लेंथ कम ज्यादा होना कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा ब्लू वेक्टर, वो तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अब बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझो, हम सेम फेज को जब हम कहते हैं कि टू क्वांटिटीज आर इन सेम फेज, इस बात को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं, बताओ कैसे कैसे? सोचो ध्यान से और बताओ, एक तरीका तो आपके सामने ही है ना? तो एक तरीका तो हुआ प्योरली मैथमेटिकल, अगर आपको कहा हुआ है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t, मतलब दोनों के साथ एग्जैक्टली सेम टर्म बन रही है, सब कुछ सेम, ठीक है,
हम तो कहते हैं कि दे आर इन सेम फेज, ये तरीका हुआ मैथमेटिकल, ठीक है। फेजर डायग्राम वाला क्या तरीका हुआ? कि दोनों क्वांटिटीज ए और बी के फेजर्स कोइंसाइड करा दो, ओवरलैप करवा दो। तीसरा तरीका क्या हुआ बच्चों? ग्राफिकल, जो हमने जैसे ग्राफ बनाया था कि भाई ग्राफ में इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी फॉर्म में तो ये यूज हो ही जाएगा आपका। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कैपेसिटर इन एसी। तो लेट अस से हमारे पास ऐसे एक सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने एक एसी सोर्स लगा दिया और अब उसमें हमने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसपे एट द इंस्टेंट शोन, मान लो एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस, मतलब लेफ्ट वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, राइट वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो बच्चों इसमें किरचॉफ लिखो जरा, बताओ उससे क्या आएगा? सिंपल ही है, क्या लिखा जाएगा? कैपेसिटर के साथ कैसे लिखते हैं हम किरचॉफ? E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो, राइट। यहां से हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या बन गई? क्यू इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहां से करंट कैसे आएगा बच्चों? बोलो भाई, चार्ज से करंट कैसे आएगा? डी क्यू बाई डी टी करके, डिफरेंशिएट करके। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या बन गया? सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं एज देखो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया एज ई नॉट बाय एक्ससी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम सारा कुछ साइन में ही लिखना चाहते हैं, जहां पे एक्ससी की वैल्यू बन गई वन बाय ओमेगा सी, ठीक है। तो इसको बच्चों हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जैसे हम करंट को हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, वोल्टेज अपॉन समथिंग, तो यहां पे दैट समथिंग इज xc विच इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी। राइट, सर? यस सर। एक्सी रेजिस्टेंस है फिर यहाँ पर? हाँ, एक्सी क्या हो गया? एक्सी एक तरीके से रेजिस्टेंस है, इसको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं कहते क्योंकि रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर से आती है। हाँ जी सर, वो तो है।
तो हाँ बट ये काम रेजिस्टेंस का ही कर रही है, इसलिए हमने इसको एक नया नाम दे दिया, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। ओके तो बच्चों अगर आप देखो दो बहुत ही मेजर डिफरेंसेस आ गए कैपेसिटर के केस में कंपेयर टू डीसी। बताओ डीसी वाले केस में हम क्या कहते थे कि करंट कितना होता है? अगर हमने बैटरी लगाई हुई है डीसी वाले केस में हम क्या कहते थे कि नॉर्मली कितना करंट होता है स्टेडी स्टेट पे? कैपेसिटर में कितना करंट होता है बच्चों स्टेडी स्टेट में? पड़ा हुआ है भाई ऐसे मत करो, जीरो राइट। हम कहते थे कि डीसी वाले केस में तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है, याद करो हम कहते नहीं थे कि कैपेसिटर को ब्रोकन वायर बना लो स्टेडी स्टेट पे। तो भाई एसी वाले केस में वैसा नहीं है, एसी वाले केस में कैपेसिटर के थ्रू भी कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता है जिसकी वैल्यू हमने अपने सामने लिखी हुई है। मतलब एसी वाले केस में कैपेसिटर भी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, तो वो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जैसा ये एक्सप्रेशन बना है साइन ओमेगा टी टाइप्स का ये एक्सप्रेशन बना है, तो मतलब ये वाला करंट भी जो है वो एसी करंट ही है, राइट? नहीं शांक, साइन ओमेगा टी का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एक ओमेगा भी आता है बाहर, चेन रूल जो कोफिशिएंट होता है, एसी में भी आया था जब हमने फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटर भी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ गया कि ये कोई कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे हम कहते थे रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी रेजिस्टर है जो उसकी रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या है? 1/ωC। यहां पे ओमेगा किस पे डिपेंडेंट है? सोर्स के ऊपर। तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो सोर्स के ओमेगा के ऊपर डिपेंड करती है, वो कोई फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से ये रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंस है ये ओमेगा पे डिपेंड करती है। तो रिएक्टेंस है क्या? इट इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिएक्टेंस की हम डेफिनेशन यही कहते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल रेजिस्टेंस से इसके अंदर क्या डिफरेंस आ गया कि ये ओमेगा पे भी डिपेंड कर रही है। एंड एक और डिफरेंस आ रहा है बच्चों, बताओ वो क्या है? करंट के एक्सप्रेशन को देख के बताओ,
और क्या डिफरेंस आया कंपेयर टू नॉर्मल रेजिस्टेंस? फेज का, तो कैपेसिटर ने क्या कर दिया, करंट का फेज चेंज कर दिया, और कितना चेंज कर दिया, 90 डिग्री से, उसने करंट का फेज 90 डिग्री से बढ़ा दिया। तो इस केस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अब बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा यहां पे? तो अगर ब्लैक ग्राफ वोल्टेज का है तो करंट का रेड ग्राफ बन जाएगा। मतलब बेसिकली अगर वोल्टेज का साइन ग्राफ है तो करंट का कैसा ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं या इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा काम बन गया। यहाँ पे हम सेम वेज नहीं बोलेंगे, सेम फेज तो तब बोलते हैं जब फेज डिफरेंस जीरो। इस केस में तो हम देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो 90 का है, वो हमने निकाल ही लिया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मान लो मतलब अभी अभी हमने कैपेसिटर लगाया है अनचार्ज्ड सर्किट में, तो करंट फ्लो करेगा, मान लो अभी मतलब उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पे। जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी वो एज अ रेजिस्टर तो काम कर रहा है, वो तो बैटरी का साथ नहीं दे रहा जब डायरेक्शन चेंज हुई है, क्योंकि वो तो पुरानी बैटरी के ऑपोजिट काम कर रहा था और अब खुद ही बैटरी ऑपोजिट हो गई। वो चीज फेज में कवर हो गई ना जो आप कह रहे हो डायरेक्शन चेंज वाली, तभी तो वो मैच नहीं कर रहा, और इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं कह रहे, तभी हमने इसको अलग नाम दिया, ये थोड़ा सा डायरेक्शन में चक्कर पड़ रहा है क्योंकि ग्राफ से हमें दिख भी रहा है ना। हाँ जी ठीक। ठीक है अच्छा, अब बच्चों इसका फेजर बना के दिखाओ मुझे फिर से, एक ही फिगर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों के फेजर्स बनाओ ध्यान से। आपके पास दोनों के एक्सप्रेशंस हैं ऊपर, वोल्टेज का भी करंट का भी। उससे बनाओ बच्चों, एक केस में क्या है E नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरे केस में क्या है E नॉट बाय एक्स ई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो कैसा बन जाएगा भाई, लाइक दिस। राइट, तो बच्चों जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, हमारे को ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैपेसिटर के लिए वोल्टेज का फेजर दिया हुआ है तो करंट का फेजर बनाओ, या करंट का फेजर दिया हुआ है तो वोल्टेज का फेजर बनाओ। तो हमें याद रखना है कि हमेशा इनमें रिलेशन क्या है, कि जो करंट वाला फेजर है वो वोल्टेज वाले फेजर से पाई बाय टू आगे है,
सिर्फ पाई बाई टू नहीं याद रखना, ये भी याद रखना है कि आगे Understood everyone? आगे in the sense, मतलब हम anti-clockwise direction को positive मानते हैं ना, तो anti-clockwise direction में उससे आगे voltage से. ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ये? बोल दो भाई यस नो. ओके, इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा यूज होंगे ये फेजर्स. चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट. ये इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं मैसेज कर रहा हूं अभी होमवर्क. ओके बच्चों, बाय.